वर्तमान में अधिकतर लोग नरक स्वर्ग पर विश्वास नहीं करते। एक मत हुआ करता था पहले, चारवाक मत, जो एक ही जीवन है, खाओ पियो ऐश करो, उस सिद्धांत को मानने वाला हुआ करता था। आजकल भी भले ही उस नाम से नहीं जाने, लेकिन उस मत के अनुयायी बहुत आए लोग। प्रत्यक्ष में जो कुछ दिखाई दे रहा है बस उस पर विश्वास करते हैं। परलोक भी होता है, कर्म भी होते हैं, इन पर उनका विश्वास है। एक राज्य में एक ऐसा राजा रहता था जो धर्म पर विश्वास नहीं करता था। धर्म के लिए समय देना समय की बर्बादी समझता। उसने धर्म के जितने भी आयतन थे उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। सब लोग अपने अपने अर्थ उपार्जन को ही मुख्य समझते थे। धर्म भी कोई चीज है, धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। उस राजा का जो मंत्री था वो भी राजा की ही विचारधारा में बह रहा था। एक बार उसको किसी कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। जब वो उस राज्य में गया और वहां उसने एक साधु के उपदेशों को सुना और उसमें कि धर्म से विहीन मनुष्य पशु के समान है, इस उक्ति को जब व्याख्यायित वहां पर किया जा रहा था तो उसको लगा कि हमारे राज्य के सभी जीवों का जीवन भी पशुओं के समान ही। पशु भी अपने पेट भरने के लिए प्रयास करते हैं, वही हम कर रहे हैं। पशु भी अपनी संतति को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वही हम कर रहे हैं। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। और उसके मन में उस दिन श्रद्धा का प्रादुर्भाव हुआ और उसके मन में ऐसा आया कि हमारे राज्य में भी ऐसे साधुओं का आगमन हो और उनके माध्यम से हमारे यहां भी धर्म की धारा बहे। उसने
महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया और ये भी कहा कि हमारे यहां पर राजा नास्तिक है, धर्म पर उसका विश्वास नहीं। महाराज ने कहा कि हमारे लिए आगम में आज्ञा है कि जिस देश का राजा नास्तिक हो उस राज्य में साधु विचरण ना करे। महाराज की बात सुनकर के मंत्री ने कहा कि महाराज फिर ऐसे तो हम एक व्यक्ति की गलती के कारण में पूरे के पूरे राज्य के निवासी अपने जीवन का उत्थान कैसे कर पाएंगे। मेरे अंदर धर्म की श्रद्धा आपके वचनों से उत्पन्न हुई है और मैं वहां पर पुरुषार्थ करके बहुत सारे लोगों के लिए धर्म के स्वरूप को बताने का प्रयास करूंगा। यदि आपका पदार्पण वहां पर हो जाए तो बहुत लोग उससे परिवर्तित हो सकते हैं और आपकी सन्निधि से राजा में भी परिवर्तन आ सकता है जैसे मेरे मन में आपकी सन्निधि से परिवर्तन आया है। महाराज ने कहा कि साधु तो बहते हुए पानी के समान है, किस दिशा में उनका बहना हो जाए पूर्व से निर्धारित नहीं रहता, ये तो भव्य जीवों की आकांक्षा के कारण में परिवर्तित भी हो सकता है। आप अपने यहां उस प्यास को जगाएं जिसके कारण में ये धर्म की नदी भी आपके नगर में आ सके। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ और पूरे रास्ते में सब लोगों से कि कभी यहां से निर्गत साधुओं का भी गमन व्यवहार हो सकता है और उनका जीवन कैसा होता है, उनकी चर्या कैसी होती है, सभी जगह लोगों को बताते हुए वो अपने स्थान पर लौट करके गया। समय व्यतीत हुआ और वो राजन जो कि नास्तिक था वहां पर उसका अपना कार्य चल रहा था, मंत्री अपने कार्य के माध्यम से वहां पर धर्म भी कुछ होता है उसको बताने के प्रयास में लगा हुआ था और इधर महाराज का पदार्पण उसी क्षेत्र की ओर हो गया। श्रवणों के अध्यक्ष अपने श्रवणों के साथ में उस नगर के उपवन में जाकर के ठहर गए। पहले नगर के बाहर नसिया होती थी जहां पर साधु अपनी साधना करते थे, आहार के लिए नगर में आते थे और पुनः लौट जाते थे और जब लोगों ने देखा जिन्होंने सुन रखा था वो धीरे धीरे आने लगे और वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी होने लगी। एक दिन मंत्री महोदय आकर के महाराज से निवेदन करने लगे कि महाराज हमारे राजन के लिए भी कुछ उपदेश प्राप्त हो। महाराज कहने लगे कि चार ऐसे बिंदु हैं जिनसे यदि राजन का संपर्क हो तो वो उपदेश को ग्रहण कर सकता है। एक तो वो हमारे दर्शन के लिए आए, दूसरा जहां पर हमारे उपदेश होते हैं वहां पर वो आ जाए, तीसरा जब हम आहार चर्या पर निकलते हैं उस समय में वो
संपर्क में आए, और चौथा वो स्वयं आहार दान दे। इन चार बिंदुओं के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा माध्यम नहीं है जिससे कि हम उसको उपदेश दे सकें। मंत्री कहने लगा कि महाराज हमारे राजन के लिए तो ये चारों ही संभव नहीं है, वो तो धर्म कार्य, धर्म के व्याख्यान, दान आदि सबको फिजूल खर्ची समझता है, साधुओं को साधु नहीं समझता, तो दर्शन दान आदि प्रक्रियाएं उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती। महाराज ने कहा कि फिर हम असमर्थ हैं कि हम इनके अलावा आपके राजन को कहीं उपदेश नहीं दे सकते। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसके अलावा और कहां उपदेश दिया जा सकता है, कोई दर्शन करने आता है तो उसके लिए भी कुछ अभाव विसर्गम बहुसा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। आचार्य जी के पास दर्शन करने लोग पहुंच जाते हैं, आचार्य जी नहीं भी बोल रहे हो तो भी बिना बोले ही उनकी चर्या उनके लिए उपदेश दे देती है। कभी कभी उनके उपदेश होते हैं उसके माध्यम से भी, उनकी आहार चर्या के माध्यम से भी, और उनको आहार दान के माध्यम से भी लोग उपदेश को ग्रहण कर लेते। जब महाराज ने कहा कि हम इसके अलावा उसको उपदेश नहीं दे सकते हैं और ये संभव नहीं है, तो मंत्री सोचने लगा कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करता हूं जिससे कि वो आपके निकट आ सके। और उसी समय भाग्य से ऐसा हुआ कि एक मित्र राजा के यहां से दो घोड़े अच्छी नस्ल के घोड़े उन्होंने वहां पर राजा के लिए भेंट किए, और उन घोड़ों को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मंत्री जी से कहा कि कभी घोड़ों की सवारी करने का प्रबंध किया जाए। और मंत्री को उस समय में मन में ऐसा लगा कि बस यही एक बिंदु है जिसके माध्यम से हम राजा को श्रवणों के निकट ले जा सकते हैं। और उसने उन दोनों घोड़ों को रथ में जितवा करके स्वयं उस पर सवार होकर के राजा के लिए सवारी के लिए आह्वान किया, और वो दोनों घोड़े बड़े ही तीव्र गति से वहां पर उनको बहुत दूर तक लेकर के गए। और उसमें रास्ते के ऊंचे नीचे होने के कारण में, तीव्र वेग के कारण में उनके शरीर में थकान वहां पर उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि बस बस बहुत हो गया, मैं बहुत थक गया। और वहां से वो लौट करके आते हैं और उस उपाश्रम जो कि नगर के पास में उपवन था वहां पर लाकर के मंत्री ने फिर रथ को रोक करके कहा कि आप थोड़ी देर यहां पर विश्राम करिए और उसके बाद हम राजमहल की ओर चलेंगे। राजा रथ से उतर करके उस परिसर की अंदर की ओर बढ़ता है और वहां पर उसको मंचासीन, श्रमणों के अध्यक्ष और बहुत सारे साधु जन दिखाई देते हैं, और बहुत सारी जनता भी वहां पर उनके उपदेशों को श्रवण कर रही थी। राजा ने पूछा, मंत्री जी ये कौन है? उसने बताया कि ये साधु हैं और ये
शरीर और आत्मा भिन्न होती है, जीव भर करके चारों गतियों में भ्रमण करता है, इन सब का बहुत अच्छा व्याख्यान करते हैं। राजा के मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठते थे, भले ही नास्तिक था लेकिन फिर भी मन में शंकाएं तो उत्पन्न होती ही रहती थी। और उसने सोचा और मंत्री से कहा कि क्या मैं इनसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं। मंत्री तो इसी अवसर की तलाश में था और बड़ा प्रसन्न होकर के कहा कि हाँ हाँ महाराज, सभी लोग यहां पर उनसे प्रश्न करते हैं और उनके समाधान को इन महाराज के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और वो राजा आगे बढ़ता है, वहां पर महाराज का उपदेश चल रहा था और उपदेश के बीच बीच में कुछ ऐसे बिंदु भी आते हैं जब बीच में थोड़ी देर के लिए वहां पर ऐसा लगता है कि अब कुछ विराम जैसा ले लिया हो। और जैसे ही महाराज की दृष्टि राजन के ऊपर जाती है और राजन वहां पर प्रश्न करता है, क्या आप शरीर और आत्मा भी कोई होती है, शरीर से आत्मा भी पृथक होती है, आप इस पर विश्वास करते हैं? महाराज जैसे ही उसके प्रश्न को सुनते हैं और सुनकर के कहते हैं, राजन की वेशभूषा से पहचान चुके थे कि राजन प्रश्न कर रहा है और कहते हुए वहां पर बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के वो कहते हैं कि राजन, आपकी सभा जब लगती है तो वहां पर कुछ शिष्टाचार का पालन किया जाता है कि नहीं? आपकी सभा में कोई आकर के प्रश्न करता है तो बिना किसी विनय के क्या वो प्रश्न करने का उसको अधिकार है? जैसे ही राजन इस वाक्य को सुनता है और उसको अपनी गलती वहां पर एहसास होती है कि मैंने इनके सामने कोई विनय प्रदर्शित नहीं की, इनसे कोई अनुमति नहीं मांगी कि क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं, और मैंने उद्दंडता से, भले ही मैं राजन हूं लेकिन मुझे दूसरे की सभा में इस प्रकार से प्रश्न करने का अधिकार नहीं। और उसने वहां पर जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, हाथ नहीं जोड़ते थे, सिर नहीं झुकता था, उसने अपने हाथों को जोड़ा नमन करके कि क्षमा करें, मैं आपसे कुछ अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं? महाराज ने कहा, ये राज्य आपका है, ये उपवन आपका है, हम लोग तो यहां पर कुछ दिन के लिए आए हैं, आप इसके अधिकारी हैं और आप जिन प्रश्नों को पूछना चाहते हैं, जिन प्रश्नों का समाधान चाहते हैं, उन प्रश्नों का समाधान हमें जितना ज्ञान है हम करने का प्रयास करें। नमन करके राजन वहां पर बैठ जाता है और जो प्रश्न किया है कि देह और आत्मा क्या भिन्न होती है, तब महाराज कहते हैं कि तुम अपने शब्दों के माध्यम से भी उसको भिन्न ही जानते हो। तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो कि मैं इन आंखों के माध्यम से देखता हूं, मैं इन पैरों के माध्यम से चलता हूं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है। तो ये भी कहते हो कि मैं शरीर हूं, तो मैं और मेरे के भेद को अपने शब्दों के माध्यम से भी प्रकट करते हो।
मैं कुछ और है और मेरा ये शरीर है, वो मैं आत्मतत्व है और ये शरीर उसमें रहने के कारण में मेरा कहने में आता है। वास्तव में मैं और मेरा में बहुत अंतर है। जैसे तुम मेरा घर मेरा परिवार कहते हो, उससे तुम जैसे बिल्कुल पृथक हो, उसी प्रकार से तुम इस शरीर से भी, इन हाथों से भी, इन आंखों से भी बिल्कुल पृथक हो। राजन को पहली बार भेद विज्ञान की बात समझ में आई, फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि जीव मर करके कहां जाता है। राजन को पहले मंत्री ने बताया था कि चार गतियों में जीव भटकता है, ऐसा ये उपदेश देते हैं, तो उस समय महाराज भी यही कहते हैं कि चार गतियों में जीव अनादि काल से एक गति से दूसरे गति में संसरण करता रहता, इसी का नाम संसार है। सुन करके राजन कहते हैं कि जीव मरने के बाद में स्वर्ग नरक जाता है, ये बात तो स्पष्ट नहीं होती, लेकिन मनुष्य और त्रेन जो दिखाई देते हैं उनमें भी जीव जाता है कि नहीं जाता है, इसका क्या प्रमाण है। महाराज कहते हैं कि वैसे बहुत सारे उदाहरण दृश्य जगत में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आजकल आपसे कहा जाए कि कई बार ऐसी घटनाएं अखबार आदि में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व के भवों के बारे में कि हम पूर्व में वहां पर थे, और जाकर के जब वहां पर देखा जाता है तो बहुत सी बातें सत्य भी निकलती हैं। बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, वो इन्हीं की खोज करता है। वहां पर 50 से ज्यादा घटनाएं पूर्णतः सत्य पाई गई हैं कि वो पूर्व में कहां पर थे और यहां पर कहां पर जन्म हुआ, सारी बातों को वहां पर देख करके ये समझा गया है। एक घटना अमेरिका की कि एक व्यक्ति रात्रि में सोते समय बड़बड़ाता है। कई बार होता है, आप लोग जानते होंगे, कई बार लोग रात में सोते समय में बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं कि सामने वाला उनको सुनकर के समझ जाता है। तो पत्नी जो है परेशान थी और डॉक्टर के पास गई। साइकेट्रिस्ट ने बताया उस समय थोड़े से व्यंग में उसने कहा कि आप इनको दिन में बोलने दिया करो तो रात में ही पढ़वाएंगे। तो पत्नी बोली नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिन में भी खूब बोलते हैं। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करो, आप उनकी जो बड़बड़ाने के समय में जिन शब्दों को वो बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड करो। तो कुछ रिकॉर्डर वहां पर रखो रात में सोते समय और वो रिकॉर्डिंग आप हमको भेज देना या हमारे पास सेंड लेकर के आ जाना। कुछ दिनों की उसने रिकॉर्डिंग करने के बाद में डॉक्टर को दिखाई और डॉक्टर ने उस रिकॉर्डिंग का एनालिसिस किया और उसमें एक सेंटेंस बार बार आ रहा था कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं। कुबड़ निकलता है अपने संस्थान होता है, उपजग संस्थान होता है, तो कुबड़ निकला रहता है, तो उस कुबड़ी औरत का मैं चित्र बना रहा हूं और वैसे पैसे के लिए चित्र बनाना मुझे पसंद नहीं है, कलाकार हूं और कलाकार पैसों के लिए चित्र बनाने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी है इसलिए मैं पैसे के लिए चित्र बना रहा हूं। और
उस डॉक्टर ने वहां पर जो आर्ट गैलरीज होती हैं जहां पर लोग चित्र बना बना करके उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं, बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं वहां पर, उसमें जाकर के खोज की तो एक बहुत पुरानी आर्ट गैलरीज में वो वहां पर वो कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई चित्र बनाता है तो चित्र के नीचे आर्टिस्ट अपना नाम अवश्य लिखता है। तो उस समय में देखा वहां पर जेम्स कैरल बेकविथ नाम उस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ था। फिर उन्होंने उसकी खोज की और एक लाइब्रेरी में उनके द्वारा जेम्स कैरल बेकविथ की लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा जो कि 1500 से भी ज्यादा पेज की थी वो वहां पर मिल गई। और जब उसका उन्होंने खोल करके अध्ययन किया तो उसमें ये सेंटेंस भी वहां पर मिल गया कि मैं कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं और पैसे के लिए मुझे चित्र बनाना पसंद नहीं लेकिन मजबूरी में व्यक्ति के लिए समझौता करना पड़ता है। ये जब सब मिला तो फिर वहां पर उनका जन्म कब हुआ उसका एनालिसिस किया तो पता पड़ा कि जब जेम्स कैरल बेकविथ की मृत्यु हुई उसके 9-10 महीने के बाद में इस व्यक्ति का जन्म हुआ जो कि बड़बड़ाता है, रॉबर्ट ब्रूनो उसका नाम है। पहले वो जेम्स कैरल बेकविथ के रूप में था। तो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से कि मनुष्य से मनुष्य भी बन जाते हैं, पशु भी बन जाते हैं, पशुओं के भी कुछ लक्षण मनुष्यों में देखने के लिए मिलते हैं और कभी कभी पशुओं में भी मनुष्य जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एक घटना आचार्य श्री के ग्राम सतलग आती है, वहां पर एक बैल था और यदि उसको कोई छोड़ दे तो वो जाकर के एक दीवार में अपने सिर को मारता था। जब भी उसको छूट मिल जाए तो बस वो जाकर के दीवार में अपने सींगों से खोदने की कोशिश करता था। एक बार व्यक्ति को समझ में आ गया तो उसने कि हो ना हो इस दीवार में कुछ है और उस बैल को वहां पर ले जा करके बांध करके दूर पर उससे कहा कि इस दीवार को खोदे क्या। उस बैल से बोला तो बैल ने भी अपनी पूरी हामी गर्दन लाके भर दी और जब उस दीवार को खोदा गया तो उसमें कुछ धन संपत्ति वहां पर गड़ी हुई प्राप्त हुई। तो कुछ ना कुछ संबंध उसका उस संपत्ति से रहा होगा इसलिए वो बैल वहां पर जाकर के अपने सींगों के माध्यम से उसको खोदने का प्रयास करता था। तो जैसे मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य तिरियन या तिरियन से मनुष्य, तो दृश्य जगत में देखने के लिए मिलते हैं लेकिन स्वर्ग नरक भी होते हैं कि नहीं होते हैं, राजन वहां पर कहते हैं कि इस पर हमें विश्वास नहीं होता। क्या स्वर्ग नरक भी होते हैं? महाराज ने कहा कि ज्ञात विश्व में भी ऐसी कई जगह हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी नहीं। जैसे आजकल कहा जाता है कि एक बरमुडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है जहां पर जाने के बाद में बड़े बड़े जहाज लुप्त हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं पता नहीं पड़ता। आज भी ऐसी जगह है और ये प्रसिद्ध है कि इस संसार में जो भी सत्कार्य करते हैं पुण्य कार्य करते हैं वो लोग स्वर्ग जाते हैं और जो पाप कार्य करते हैं वो नरक जाते हैं। तो राजन वहां पर कहते हैं कि महाराज मेरे दादाजी उनको कोई भी धर्म कार्य से मतलब नहीं था। राजन थे तो सातों प्रकार के व्यसनों में लिप्त रहते थे। आप जैसे कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक भी होते हैं तो क्या मेरे दादाजी नरक में गए होंगे? महाराज ने कहा हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से वो नरक ही गए हैं।
तो राजन कहते हैं कि वो मुझे बहुत चाहते थे और जब उन्होंने पाप कार्य किए और उसके कारण में उनको नरक जाना पड़ा तो क्या वो मुझे आकर के बता नहीं सकते कि तुम पाप कार्य मत करो, तुम धर्म कार्य करो, नहीं तो तुमको भी नरक में जाना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि आपकी पटरानी का नाम सूर्यकांता है ना, तो राजा एकदम चौंक जाते हैं कि मेरी रानी का नाम भी इनको मालूम है और साथ साथ में सोचता है कि बहुत सुंदर कन्या से मैंने विवाह किया था, उसकी ख्याति तो सब जगह फैली गई होगी, तो इसमें तो मेरी प्रसिद्धि वाली बात है। उसने कहा हाँ बिल्कुल महाराज, मेरी पटरानी का नाम सूर्यकांता है। महाराज कहते हैं कि यदि कोई उनके साथ में बदतमीजी करे तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या दंड दोगे? तो तम तम आकर के राजन कहते हैं कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और उस समय वो व्यक्ति आपसे कहे कि राजन मुझे थोड़ी देर का समय दे दो, मैं अपने परिवार वालों को बताऊं कि भैया ऐसा काम मत करना, नहीं तो तुम्हें भी मृत्यु दंड प्राप्त होगा, तो क्या तुम उसके लिए कुछ समय दोगे क्या? तो राजन कहता कदापि नहीं, मैं उसके लिए एक समय के लिए भी वहां से छोड़ूंगा। महाराज ने कहा बस ऐसा ही उस नरक में गए हुए जीवों के साथ में है कि वो आकर के आपको बता नहीं सकते कि वो नरक इस कारण से गए हैं और तुम ऐसा मत करो, क्योंकि जो वहां पर जाता है उसकी जितनी आयु रहती है उसके पूर्व में निकलने में समर्थ नहीं होता। सीता के जीव ने जाकर के प्रतीन्द्र ने वहां पर लक्ष्मण के जीव रावण के जीव को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो सारे मोम की तरह पिघल करके हाथ खाली के खाली रह गए, वो सब वहीं के वहीं उनका पूरा शरीर वहां से निकलने में समर्थ नहीं होता। फिर राजन कहते हैं कि चलो ठीक है, इस बात को मैं मान लूं, तो मेरी दादी वो तो बड़ी धार्मिक थी, हमेशा व्रत उपवास इन्हीं में लगा उनका जीवन निकलता था, दान में तीर्थ यात्रा में ही उनका पूरा समय निकला है, तो आपकी दृष्टि से तो उनको स्वर्ग में होना चाहिए। महाराज ने कहा बिल्कुल वो स्वर्ग में ही है, तो स्वर्ग में जाने के बाद जबकि मैं उनका सबसे प्यारा पोता था, वो मुझे आकर के संबोधन क्यों नहीं करती कि तुम इन पाप कार्यों से दूर हो जाओ, यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो तुम भी धर्म कार्य में लग जाओ, वो स्वर्ग से आकर के क्यों नहीं समझाती? महाराज कहने लगे कि स्वर्ग में जाने वाले जीव वहां जिस परिवार में जाते हैं वहीं पर रह जाते हैं, वैसे तो जो जीव जहां जाता है यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति, जो जहां जाता है वहीं पर रम जाता है। और इस जीव ने अनादि काल से पूरे संसार में परिभ्रमण करते करते कितने कितने लोगों से संबंध बनाए हैं, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, असंख्यात प्रदेश लोग के अगणित बार छुए, कहां ऐसा कोई सी जगह है जहां पर जन्म नहीं लिया, कहां ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे कोई संबंध नहीं रहे। इतना तक हो जाता है कि जीव स्वयं का पुत्र बन जाता है। एक जौहरी जिसके पास में सीखने के लिए कोई व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति ने उसी जौहरी का वध कर दिया
और जौहरी मर करके अपनी ही पत्नी के गर्भ में बढ़ देगा। और उस व्यक्ति ने जो सीखने आया था उसने उस जौहरी की पत्नी को ही अपना लिया और बाद में राज जौहरी पद को भी प्राप्त कर लिया। एक बार क्रीड़ा के लिए गए हुए राजा रानी जब उपवन में क्रीड़ा कर रहे थे और उस समय रानी का हार टूट गया और उन्होंने कहा कि ये हार ठीक करवा दो। उन्होंने कहा कि अब टूट गया है तो कोई नया ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा प्रिय हार है, मुझे तो यही चाहिए। जौहरी को बुलवाया गया और जौहरी ने देख करके कहा कि इसकी कला तो मैं सीख नहीं पाया, मैं इसको सुधारने में असमर्थ हूं। और उसका जो पुत्र बड़ा हो चुका है वो वहां पर कहता है कि मैं इसको बना सकता हूं। और उसने उसको सुधार करके राजा के लिए वो हार जब दिया तो राजा ने मन में सोचा कि पिता उसको बनाने में समर्थ नहीं और पुत्र उसको कैसे बना सकता है, जबकि पूर्व का जो जौहरी था वो इसको बनाने में उसी ने बनाया था। उसके मन में शंका उत्पन्न होती है और वो पुत्र से एकांत में वार्ता करता है और पुत्र वहां पर कहता है कि राजन, आपकी शंका बिल्कुल सही है, मैं पूर्व का जौहरी हूं और मर करके मैं अपनी ही पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और इसी व्यक्ति ने मेरा वध किया था। सुन करके वहां पर वो जौहरी पुत्र वैराग्य को तो स्वयं प्राप्त हो ही जाता है जाति स्मरण के माध्यम से और राजा भी वहां पर दीक्षित हो जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने सौरीपुर बटेश्वर से तप करके निर्वाण को प्राप्त किया है। ये आरंभ का कथानक है। तो सब जीवों ने सब जीवों से सब संबंध किए हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए। तो वो स्वर्ग से स्वर्ग के वहां पर वातावरण में रम जाते हैं और वहां से आकर के क्यों नहीं बताते, क्योंकि स्वर्ग के देव मर्द लोग को अच्छा नहीं मानते। अपने आप को वैमानिक विमानिक जो देव होते हैं अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए उनको विमान वहां पर जो संज्ञा दी जाती है। और खासकर जो व्यसनों में लिप्त हैं उनको तो वो छूना भी नहीं चाहते। व्रती यदि होते हैं तो वो उनके चरणों में भी नमन करते हैं तो वो तुम्हारी दादी जो वहां पर गई है वो तुम्हें आकर के तुम्हें वो जो छूना नहीं चाहती तुम्हारे पास में आना ही नहीं चाहती। राजन के लिए मन में ऐसा लगा कि जबकि वो मुझे बहुत चाहती थी तो मुझे समझाने के लिए क्यों नहीं आती है। तो महाराज कहते हैं कि आपने सुबह सुबह अच्छे ओटन आदि के माध्यम से स्नान किया हो, इत्र फुलेल आदि लगा करके अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण किया हो और आप राजमहल से अपने दरबार के लिए जा रहे हो और उस समय में आपके महल में ही झाड़ू लगाने वाला यदि पूरे महल की झाड़ू लगा करके सारे कचरे को एक टोकरे में भर करके और सामने खड़ा हो और उस समय कोई व्यक्ति उसके टोकरे को हाथ ना लगाए तो उठाने में समर्थ नहीं है और उस समय में आपको देख करके आपसे कहे कि राजन थोड़ा सा हाथ इस टोकरे में लगा दो तो क्या आप उसको छूना चाहेंगे, उसको हाथ लगाना चाहेंगे? तो राजन कहने लगे कि ना तो वो ऐसी जुर्रत करेगा, यदि वो जुर्रत करेगा भी तो दंड का पात्र होगा, मैं उस कचरे के टुकड़े को हाथ कैसे लगा सकता।
महाराज ने कहा बस ऐसी ही दृष्टि स्वर्ग के देवों की उन जीवों के प्रति रहती है जो व्यसनों में लीन रहते हैं, धर्म से विमुख रहते हैं। सुन करके राजन को विश्वास हुआ कि हाँ, पूर्व के जो हमारे दादा दादी थे वो हमारे लिए संबोधन के लिए इसीलिए नहीं आए हैं। स्वर्ग और नरक भी होता है, इस प्रकार की दृष्टि अभी तक जो नास्तिकता के कारण उसकी भ्रमित थी वो वहां पर दूर हुई और उसने धीरे धीरे उन महाराज की सभा में आकर के उपदेशों के माध्यम से धीरे धीरे धर्म को श्रवण करते करते अपने जीवन में नास्तिकता से दूर उठ करके और आस्तिकता को प्राप्त करके अपने जीवन में परिवर्तन किया। ज्यादा अंतर नहीं है, एक व्यक्ति जीवन भर नास्तिक नास्तिक का बखान करता रहा, उसने अपने घर के दरवाजे पर अपनी घर की दीवारों पर लिखवा रखा था गॉड इज नो वेयर, गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं पर नहीं है। पूरा जीवन निकल गया, अंत समय में भगवान कहीं नहीं है कहीं नहीं है कहने वाला। उसके मित्र ने उससे कहा कि थोड़ी सी दृष्टि अपनी परिवर्तित करो, जो तुमने वाक्य लिखा है गॉड इज नो वेयर, उसमें वेयर का जो डब्ल्यू है उसको नो के पास ले जाओ, बस थोड़ा सा अंतर करना है, गॉड इज नाउ हियर, भगवान यही है, सभी के अंदर विद्यमान है। बस ऐसी दृष्टि उसके लिए प्राप्त हुई तो वो नास्तिक से आस्तिक हो गया। ऐसे ही उस राजन ने धर्म के स्वरूप को समझ करके जिस धर्म से उसने पूरा जीवन विमुखता से निकाला था, अपने जीवन को परिवर्तित करके अच्छी तरह से धर्म से संस्कारित करके और अंत समय में आगे चारित्र के पद पर बढ़ करके वो मुक्ति के पद पर आगे बढ़ गया। ऐसे ही इस धर्म के स्वरूप को समझ करके जो दिखाई दे रहा है वो उतना ही केवल जगत नहीं है, दृश्य जगत से ऊपर उठ करके देखने की सामर्थ्य अध्यात्म के माध्यम से प्रकट होती है। तो ऐसे अध्यात्म के स्वरूप को जब हम धर्म के स्वरूप को समझते हैं तो उसके स्वरूप के माध्यम से हम अपने आत्मा के स्वरूप को भी समझने में समर्थ हो सकते हैं। सभी लोग ऐसे धर्म के स्वरूप को समझें, इसी भावना के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य लक्ष्मीशील सागर जी महाराज जी की। भगवान आप सबने नास्तिक से आस्तिक बनने की कथा उदाहरणों के माध्यम से पूज्य महाराज जी के माध्यम से सुना श्रवण किया। हम सब मनन करें चिंतन करें और अपने जीवन को अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनी रहे जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता